हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू इंडियन ब्लॉगर प्रिया। एंड आज मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने वाली हूँ होम सेंटर हॉल का। ये ऑनलाइन शॉपिंग नहीं थी, ये स्टोर में जाकर मैंने कुछ परचेजिंग करा था। चलते हैं स्ट्रेट हमारे आज के हॉल वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको अपने कंटेनर्स और जार दिखाने वाली हूँ जो मैंने किचन के लिए लिए हैं। सबसे पहला है ये वाला, ये कांच के दो जार हैं, 1 लीटर की इसकी कैपेसिटी है। एंड दिस इज सेट ऑफ 2 प्रिजर्वेटिव जार्स, 100% एयर टाइट। ये है जार इस साइड और इस साइड से थोड़ा थोड़ा ये कांच में ही कुछ उठा उठा सा बना हुआ है। एंड ये इसका लिड है, मेटल टाइप का है, प्लास्टिक इसमें कुछ नहीं है, ये मेटल का लिड है। और आपका सिंपल ग्लास का जार है एंड दिस इज एयर टाइट। सही में एयर टाइट है, ऐसा मैंने पहले भी लिया था बट उसका जो कांच था वो थोड़ा पतला था, वेरस इसका पतला नहीं है उतना, तो इसलिए मैंने लिया है। ये मेरा घी रखने में भी काम आएगा। ये मेरे को पड़े थे 399 रुपीज़ के। देन ऐसा ही है ये छोटू से सेट ऑफ 3 प्रिजर्वेटिव जार, अगेन एयर टाइट है तो कोई दिक्कत नहीं है एंड बहुत सुंदर भी लग रहे हैं। ब्लू चेक्स इसमें बने हुए हैं, काफ़ी अच्छा ब्लू कलर है इसका। ये इसकी कैपेसिटी है 150 ml और ये मेरे को पड़े हैं 249 के, यानी कि 250 का 3 का सेट। नेक्स्ट है मेरे पास सेट ऑफ 6 स्टोरेज कंटेनर मॉड्यूलर स्टोरेज सॉल्यूशन, प्लास्टिक के कंटेनर्स हैं, 6 का सेट है, अगेन एयर टाइट है। दिस इसकी कैपेसिटी है 1.7 लीटर की, तो आपकी 1.5 किलो तक की दालें आराम से आ सकती है इसमें। बेसिकली मैंने ये लिया है अपने फ्रीज़र के लिए। फ्रीज़र में मैं अपनी दालें रखती हूँ, लाइक जो घर से आती है राजमा एंड लाइक मोटी दालें जो होती है। मेरा फ्रीज़र बहुत हॉशपॉच हो रखा है, सब कुछ पॉलीथिन में पैक्ड है, तो अगर मुझे ढूंढना होगा मुझे वाली दाल खोलनी है तो ऑलमोस्ट मुझे सारी पॉलीथिन खोलनी पड़ती है। तो अभी मैंने सोचा है कि मैं उसे काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दूंगी, सब में दालें लगाकर एंड लाइक ऐसा करके स्टैक हो जाएगा तो मुझे देखने में भी दिक्कत नहीं आएगी, आराम से मुझे दालें मिल जाया करेगी, काफ़ी स्पेस हो जाएगा और सब कुछ ऑर्गेनाइज हो जाएगा मेरे फ्रीज़र में। ये मुझे पड़ा था 999 के 6। देन नेक्स्ट मेरे पास है दिस, ये है सिरेमिक मिनी कैसरोल विद ग्लास लेड। तो ये है मिनी कैसरोल, इसका कैपेसिटी नहीं दिया है, इसका साइज़ है, इसका डायामीटर है 14 सेंटीमीटर। दो लोगों की हमारी फैमिली है, एक छोटा बच्चा है, तो छोटे छोटे जार्स कुछ भी बाउल वगैरह एवरीथिंग वो सब बड़े काम आते हैं। एंड नेक्स्ट ये बहुत अच्छा लग रहा था, मैं आपको इसके लिए बता दूँ, बाहर से ब्लू कोटिंग है, इसके जो हैंडल्स हैं ये वाले ब्लू वाला, ये सिलिकॉन है तो ऑफकोर्स ये गर्म नहीं होगा। देन अंदर भी इसमें बहुत शाइनी सी फिनिश दे रखी है। एंड देन ये इसका लिड है, ग्लास लिड, बहुत अच्छा मटेरियल है। एंड इसका ये जो नॉब है ये भी सिलिकॉन का इसमें लेयर है, तो इसके लिए इन्होंने बोला है कि इसमें है डबल लेयर कोटिंग और इसमें इवनली ही डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, तो ये नहीं कि आपका कहीं एक जगह सेंटर से आपका ज़्यादा चल गया। इसका प्राइस था 699, यानी कि 700 का। इसमें येलो कलर भी था, इसमें ब्लू कलर भी था एंड इसमें रेड कलर भी था। आई डोंट नो मैं सारा ब्लू क्यों उठा के लाई हूँ। इसके बाद लिए हैं मैंने ये प्लास्टिक के गमले। ऑफ कोर्स प्लांट्स का थोड़ा शौक है, छोटे आई थिंक रखने में भी इजी हैं। इसका प्राइस है, ये पड़ा है मुझे 999 का, यानी कि 100 रुपीज़ का। जितना मेरा ये हाथ है इतना इसका डायमीटर आ रहा है। देन यहाँ पर इसमें मैट फिनिश मिला है और यहाँ पर इसमें ये शाइनी फिनिश है। देन मीनवाइल जब मैं ये गमले देख रही थी तो वहाँ एक लड़की खड़ी थी, उसने वहाँ मुझे और गमले दिखाए जो कि सिरेमिक पॉट्स थे। ये भी बहुत प्रिटी है, बहुत ज़्यादा प्रिटी है। आई ट्राई टू कीप कलर्स न्यूट्रल, मुझे ज़्यादा पॉप आउट वाले कलर नहीं रखने थे। इसमें ये ऐसा वेव वाला हल्का हल्का डिज़ाइन दिया है एंड ये मुझे पड़ा है 399 का, 400 रुपये का। ये आपको कलर अगर नहीं समझ आ रहा था, ये हल्का पीच कलर है, बहुत लाइट पीच कलर है। तो इस पर लिखा है हैंडल विद केयर, देन सेकेंड लिखा है क्लीन इट विद अ वाइट डैम्प क्लॉथ। आपको कोई कलर्ड कपड़ा नहीं यूज़ करना है बिकॉज मे बी वो कलर्ड कपड़ा इसमें लग जाए, उसका कलर निकल जाए,
तो इसलिए वाइट क्लॉथ यूज़ करना है। इट इज़ ओनली फॉर प्लांटिंग पर्पस ओनली, नॉट फॉर फूड स्टोरेज। इसका साइज़ है 15x15x12 सेंटीमीटर। जैसे कि मैंने बताया वो लड़की वहाँ खड़ी थी, तो शी सेड कि हमारे पास प्लांट्स भी हैं, तो आई वॉज लाइक नहीं मुझे ओरिजिनल प्लांट ही पसंद है। सो दिस वॉज द प्लांट, अगेन सिरामिक गमला था ये, एंड इसके साथ ही ट्रे भी थी। इसको लेने का सिर्फ एक कारण था, ये प्लांट, ब्रोकन हार्ट प्लांट, ये मेरा अमेजोन में भी रखा हुआ था कार्ट पे, मैं इसे लेने ही वाली थी, बट उसमें मुझे मिल रहा था प्लास्टिक का पॉट, वेयरएज इसमें मुझे मिला सिरेमिक पॉट, इसलिए मैंने ये लिया। देन एक्चुअली वो मेरी दीदी ने लिया था ऑनलाइन, तो उसमें सिर्फ आपका एक ही ये है, एक ही वो बेल, ये बेल एक ही है, वेयरएज इसमें बहुत सारे हैं, ये रूट से काफ़ी सारे निकल रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हैं इसमें, तो ऑफ कोर्स ये ज़्यादा डेंस होकर निकलेगा, इसलिए मैंने ये लिया। आई जस्ट होप मैं इसको रख पाऊँ, ये मुझे बहुत सुंदर लगता है, ब्रोकन हार्ट इसका नाम है, बिकॉज इसकी लीव्स ऐसे निकलते हैं और ये बहुत सुंदर लग रहा है। ये शायद 700 का था और मुझे 629 का पड़ा, तो ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट नहीं है, बट मुझे ये बहुत सुंदर लगा। तो इसके अंदर उन्होंने मुझे वो प्लांट दिया, क्योंकि आप बिल्कुल लाइव प्लांट को ऐसे बंद करके नहीं ले जा सकते ना, तो इसके लिए ये काफ़ी अच्छा मजबूत बॉक्स था। देन अदर थिंग आई हैव इज़ दिस, तो ये है ऐसा, ये है आपके प्लेट होल्डर। तो अभी क्योंकि मेरी क्रॉकरी की यूनिट आ चुकी है, तो उसके अंदर मैं प्लेट इसमें रखने वाली हूँ, अभी मैंने ऐसे रखी हुई है, तो आई एम प्लानिंग कि उसे इस तरीके से रख दूँ। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, टूटने फूटने का कोई मतलब ही नहीं है, एंड देन काफ़ी स्टर्डी है, ये नहीं कि आप यहाँ एक प्लेट डालोगे तो ऐसे करके गिर जाएगी। ये मुझे पड़ा है 499 का, यही इसका MRP था, कॉस्टली था पर मेरे को अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा ठीक है एक ट्राई के लिए रखा जाए। देन लास्ट में जो चीज़ बचती है वो मैंने सबसे पहले उठाई थी, क्योंकि एंटर करते ही मेरी नज़र उसमें पड़ी, ये था बोल, सीरियल बोल, आप अपना इसमें कॉर्नफ्लेक्स एंड ऑल, अपना जो भी नाश्ता होता है सुबह का वो सब कर सकते हैं। ये बहुत सुंदर प्रिंट था, ऐसे वहाँ डिनर सेट भी थे, बहुत कॉस्टली थे, एंड देन आपका कॉफ़ी मग्स थे, कॉफ़ी मग मेरे पास अभी काफ़ी हो रखे हैं तो मैं उसे लेना नहीं चाह रही हूँ, तो मैंने बस एक ये बोल उठा लिया। ये मुझे पड़ा है 599 का, यही इसका MRP था और मैंने इसे MRP में ही ख़रीद लिया। नेक्स्ट टाइम प्लानिंग जब भी ऑफ़र लगेगा मैं जाने वाली हूँ, अगर मुझे इन सभी चीज़ों का लिंक मिलता है ऑनलाइन तो मैं उसको ज़रूर आप लोगों के लिए डाल दूँगी, इनकेस आप लोगों को चेकआउट करना हुआ तो। एंड या दैट वॉज ऑल फॉर टुडे, आई होप आपको मेरी छोटी शॉपिंग पसंद आए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताना कि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए कैसे लेकर आऊँ, आपको मेरे कैसे वीडियोज़ पसंद हैं, एंड या दैट्स इट, सी यू देन, टेक केयर गाइज, बाय बाय।